हेलो एवरीवन आप सभी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए मैं लाई हूँ एक हेल्दी वेजिटेरियन हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी इसे खाने से आपको 19 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे पर सर्विंग ये रेसिपी बहुत ही इजी है एंड द टेस्ट इज रियली अमेजिंग आई एम जस्ट लविंग ईच एंड एवरी बाइट ऑफ इट चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं हमारे आज के ब्रेकफास्ट का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है टेम्पे ये बना है फर्मेंटेड नॉन जी एम ओ सोयाबीन से इट इज़ आयन रिच फाइबर रिच ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री सबसे बेस्ट पार्ट तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स में भी अवेलेबल है मार्केट में तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ शेजवान चिली फ्लेवर का पहले तो इसे फ्रिज से बाहर निकाल के रख दूंगी आधे घंटे के लिए उसके बाद एक पैन में जस्ट वन टी स्पून के जितना ऑयल गर्म कीजिए थोड़े से वेजिटेबल्स डालिए यहाँ पे स्लाइस किए हुए जैसे अनियंस कैरेट और कैप्सिकम उसके बाद इसमें टेम्पे डाल देंगे और इसे बस पाँच से छः मिनट के लिए हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर उतने देर में ये हो जाएगा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड जूसी टेम्पे एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है इसीलिए आपके जो कट हेल्थ है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा इसमें काफ़ी कम है इसीलिए तो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं बिना गिरद के हमारा जो टेम्पे का स्टफिंग है वो बनकर तैयार है चलिए यहाँ पे मैंने कास्ट टाइम तवा गरम कर दिया है अच्छे से इस थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे फिर पानी छिड़क कर इसका टेम्परेचर रेगुलेट कर लीजिए अब दो लाडल फुल भर के डोसा बैटर इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे और अच्छे से इसे घुमाएंगे जितना पतला हो सके उतना पतला कीजिए ऊपर से थोड़ा सा ऑयल घी या फिर बटर स्प्रेड कर सकते हैं आप इस डोसा को और भी ज्यादा टेस्टी और टेम्पिंग बनाने के लिए इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूंगी जैसे कि शेजवान सॉस और टोमेटो केचप। इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखिएगा अब हमने जो स्टफिंग रेडी की थी टेम्पे के साथ उसे डाल देंगे बीच में और फोल्ड करके इसे बस एंजॉय कीजिए आप चाहे तो बिना चटनी या सांभर के इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे चटनी के साथ इसे सर्व किया है टेम्पे में ऑलरेडी इतने सारे फ्लेवर्स हैं प्लस हमने इसमें वेजीज डाल दिया है और साथ ही शेजवान और टमेटो कैचअप भी तो है इसलिए हमें कोई चटनी की जरूरत नहीं है इसे खाने के लिए टेम्पे और भी बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है मार्केट में आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मैंशन किया है उसमें जाके चेक कर सकते हैं बिजी मॉर्निंग्स में अगर डोसा बैटर आपके पास ऑलरेडी रखा है फ्रिज में बस स्प्रेड कीजिए और इस तरीके से स्टफ कर दीजिए टेम्पे से और एंजॉय कीजिए आप चाहे तो इसे टिफिन में भी ले जा सकते हैं या फिर लंच बॉक्स के लिए भी एकदम परफेक्ट रहेगा डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे और भी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय